Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata. नारद भक्ति सूत्र शेयर करता हूँ स्क्रीन, और हम देख रहे हैं सूत्र नंबर 43, सूत्र नंबर 43। तो यहाँ पे लोगों ने देखा था कि कैसे भौतिक जगत में कैसे चल रहा है, कलयुग के बारे में कहा गया था। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। इसमें महाराज तात्पर्य में लिख रहे हैं, द स्टेटमेंट्स अबाउट वुमन शुड नॉट बी टेकन एज अ क्रिटिसिज्म ऑफ वुमन एज अ क्लास। तो स्त्रियों, शूद्र, वैश्य, वो जो श्लोक है उसके बारे में रेफरेंस दिया गया है। तो यहाँ पे महाराज कह रहे हैं कि जो स्टेटमेंट है स्त्रियों के बारे में, उनको क्रिटिसिज्म के हिसाब से नहीं लेना चाहिए कि उसको क्रिटिसाइज किया गया है स्त्रियों को। जस्ट एज अ वुमन इज ऑफन द सिंबल ऑफ माया फॉर अ मैन, सो अटैचमेंट टू मैन इज ऑल्सो द मेन एंटेंगलमेंट फॉर वुमन। तो आमतौर पे देखते हैं कि जब भी किसी पुरुष का जो माया का जो ऑब्जेक्ट है वो स्त्री होता है, तो उसके कारण उसका पतन होता है, इसीलिए उसको एक माया का चिन्ह कहा गया स्त्रियों को। फिर भगवान कपिल देव कहते हैं, अ वुमन देयरफॉर शुड कंसीडर हर हस्बैंड, हर हाउस, हर चिल्ड्रन इन द अरेंजमेंट ऑफ द एक्सटर्नल एनर्जी ऑफ द लॉर्ड फॉर हर डेथ। तो कपिल भगवान क्या कह रहे हैं, एक स्त्री को समझना चाहिए कि उसका हस्बैंड, उसका घर, उसके बच्चे, ये सब माया के द्वारा रचित उसके मृत्यु का कारण है। एंड सेम इट इज वाइस वर्सा, पुरुष के लिए भी सेम थिंग, उसकी वाइफ, उसके बच्चे, उसके घर, उसका जो भी है अटैचमेंट्स, वो सब उसके मृत्यु का कारण है उसके। तो ही हैज टू बी वेरी केयरफुल, बोथ स्त्री को भी और पुरुष को भी। और यहाँ पे आगे वो उदाहरण दे रहे हैं, एनालॉजी दे रहे हैं कपिल भगवान, जस्ट ए स्वीट सिंगिंग ऑफ द हंटर इज डेथ फॉर द डियर। तो जो शहर वाले उनको नहीं पता होगा, लेकिन जो गांव वाले हैं दे नो वेरी वेल कि जो शिकारी होता है वो किसी हिरण का शिकार करता है, तो जनरली ये शिकारी जो होते हैं हिरण के, ये बहुत अच्छा सुरीला गाने वाले होते हैं, और लोग इतना अच्छा सुर में गाते हैं कि हिरण जो है उस गीत से या उस ध्वनि से आकर्षित होकर उसके पास आ जाता है। जैसे ही वो पास में आता है तो शिकारी तुरंत बाण मार के उसको उसका वध कर देता है। तो जैसे उस शिकारी का संगीत जो है उस हिरण के लिए मृत्यु का कारण है, वैसे ही एक पुरुष के लिए या स्त्री के लिए वो उसका हस्बैंड, उसके बच्चे, उसका घर परिवार सारा जो है वो मृत्यु का कारण है। ये आता है श्रीमद् भागवतम के 3rd canto 31st chapter का श्लोक नंबर 42। एक बार देखते हैं, तन आत्मनो विजानियात पति अपत्या ग्रहात्मकम देवोपसादितम मृत्युम मृगयो गायनम यथा। A woman therefore should consider her husband, her house, her children to be arrangement of the external energy of the Lord for her death, just as sweet singing of the hunter is death for the deer. तो ये कपाल भगवान का साक्षात स्टेटमेंट है जो यहाँ पे महाराज कोट कर रहे हैं। Of course, it is not possible to completely restrict the sexes from associating with each other, and so the positive approach is to put Krishna in the center of one's life.
ये बोलते हैं कि ऐसा टोटली नहीं हो सकता कि स्त्रियों को अलग रखो, पुरुषों को अलग रखो, और सो दैट वे इट इज नॉट गोइंग टू वर्क, वो पॉसिबल नहीं है। और इसके लिए क्या करना है, भगवान कृष्ण को मध्य में रख के काम करना है, जिससे हस्बैंड वाइफ जो है वो अगर अपने से इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है तो दे गेट मैरिड, और वो इंद्रिय तृप्ति में लगकर भगवान कृष्ण को सेंटर में रख के फिर वो अपना जीवन जीते हैं। इवन सोसाइटी में जब हैं तो स्त्री से संपर्क आएगा ही, या स्त्री का पुरुष से संपर्क आएगा ही, लेकिन वहाँ पे उसको वो अटैचमेंट निर्माण नहीं करना है, और ये सोचना है कि ये भगवान कृष्ण का ही एक भक्त है या भक्तिन है, सेविका है, और मुझे एक वैष्णवी है या वैष्णव है उसका मुझे आदर करना चाहिए, मुझे उनका सेवा करना चाहिए। ये भाव रखेंगे तो ऑटोमेटिकली ये जो अट्रैक्शन, ये जो अटैचमेंट है दैट इज गोइंग टू फिनिश ऑफ, और वो एक टूल बन जाएगा उसको स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो वेरी नाइस पॉइंट यहाँ पे महाराज जो है इस तात्पर्य में कह रहे हैं, प्राय कहते हैं इफ अ मैन एंड अ वुमन लिव इन अ कृष्ण कॉन्शियस मैरिज ट्रांसफरिंग देयर मेन अटैचमेंट टू कृष्ण देन द रिलेशनशिप में बिकम अ सोर्स ऑफ स्पिरिचुअल रिजुविनेशन, दिस वी हैव सीन। अगर कृष्णा को मध्य में रखते हैं तो स्पिरिचुअल रिजुविनेशन, उनका जो भी आध्यात्मिक प्रगति है वो पूरे जोर शोर के साथ होगा। अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं, व्हेन लॉर्ड चैतन्य सेज दैट वन शुड अवॉइड द नॉन साधुस, ही मींस पर्संस हु डू नॉट फॉलो द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। तो ये जो सारा सूत्र ही है, हमने देखा है कि असाधु से या दुस्संग से हमको दूर रहना है। तो नारद मुनि जी ने अभी तक डूज बताया था, भक्त का संग करो, ये करो, वो करो, अब बता रहे डोंट्स, यानी क्या नहीं करना है उसमें कहा था। तो चैतन्य महाप्रभु भी उन्होंने उदाहरण दिया था, कहा था कि असाधु जो है उसका संग नहीं करना है। इसका मतलब क्या है, इट मींस पर्सन्स हु डू नॉट फॉलो द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, जो धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, तो भले किसी देवी देवता को मानते हो लेकिन अगर वो धार्मिक जीवन जी रहे हैं तो उसको पूरा जो है उसको ये समझना चाहिए कि इट्स ओके। लेकिन अगर हाई, ये एक बेसिक लेवल पे है, लेकिन इफ यू गो ऑन हायर स्टैंडर्ड्स तो जो सिर्फ वैष्णव है या कृष्ण भक्त हैं उनका एसोसिएशन हमको करना चाहिए, और इससे हम लोग जो है स्पिरिचुअली हम लोग आगे बढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल एवरी कृष्ण कॉन्शियस डिवोटी फॉलोज द फोर रूल्स बट द नॉन साधुस ऑलवेज इंडल्ज इन इलिसिट सेक्स, मीट ईटिंग, इंटॉक्सिकेशन एंड गैम्बलिंग। यहाँ पे भी महाराज वही कह रहे हैं, जो धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं वो इन चार नियमों का तोड़ते हैं, अवैध संबंध, मांसाहार, मद्यपान और जुआ। और आगे कहते हैं अगर कोई भक्त किसी असाधु का एकदम तीव्रता से उसका संग करता है तो वो पक्का उसकी बुरी आदतें उठा लेगा, वो उसको फॉलो करना शुरू कर देगा, और सारा ज्ञान उसका सारा ट्रेनिंग के बावजूद जो है वो उसका ग्रास बन जाएगा। तो कितना भी बड़े ही अच्छा भक्त क्यों ना हो, कितना भी अच्छा ट्रेनिंग वाला क्यों ना हो, स्पॉट महाराज जैसे कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, बड़ा पंडित हो, बहुत सा ट्रेनिंग लिया, ब्रह्मचारी आश्रम में रहा हो 20 साल 25 साल, लेकिन अगर वो किसी असाधु का संग करता है तो धीरे धीरे he will pick up his bad habits and he will fall down. So that has to be avoided. और इसीलिए जो है शास्त्र में कहा गया है, या नारद मुनि कह रहे हैं या भक्तिविनोद ठाकुर जी, ये सब जो आचार्य है यही आदेश देते हैं कि हम लोगों को दुस्संग से बचना है। जैसे हरि भक्ति शुद्धोदय में कहा गया, संग बहुत महत्वपूर्ण है, ये एक क्रिस्टल स्टोन की तरह काम करता है, जो उसके सामने जो भी रख दो उसको रिफ्लेक्ट करता है। ये नेक्टर ऑफ डिवोशन में भी आता है, और जैसे चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी जी को सिखाते हैं, वन शुड नॉट इवन सी दोज हु आर बिरेफ्ट ऑफ डिवोशनल सर्विस इन कृष्णा,
हाँ, तो ये वही पॉइंट है कि सिर्फ कृष्ण भक्त का हम लोग को संग करना है। चैतन्य महाप्रभु ये बात सनातन गोस्वामी जी से कहते हैं, हमको जो कृष्ण भक्ति में नहीं है उसको देखना भी नहीं चाहिए, उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहिए। सच ए स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट। जो कृष्ण का भक्त नहीं है, भले वो देवी देवताओं का पूजा पाठ करने वाला, धर्म का जानने वाला हो, लेकिन अगर कृष्ण का भक्त नहीं है तो उसका शक्ल भी नहीं देखना चाहिए। एंड हु आर देयर फॉर डिवाइड ऑफ पाइस एक्टिविटीज। और ये लोग जो है इसी कारण पुण्य कर्मों से विरक्त हैं। तो ये चैतन्य चरितामृत मध्य लीला के 22वें अध्याय में आता है। किसी का कोई प्रश्न, कोई डाउट, कुछ कमेंट्स है तो हम लोग ले सकते हैं। हरे कृष्णा। हाँ, यस माता जी, जी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। आई हैड अ क्वेश्चन, बिकॉज वी आर सेइंग अबाउट दिस, यू नो दैट भक्तस और डिवोटी शुड नॉट हैव यू नो दुसंग और यू नो और एसोसिएट विद अ भक्तस, बिकॉज दे विल गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय देम। प्रभु जी, इज इट द रिवर्स ऑल्सो पॉसिबल? इज इट इजंट इट पॉसिबल फॉर द अभक्ता टू एक्चुअली लुक एट अ भक्ता एंड चेंज? या श्योर माता जी, वो यू हैव अ वेरी नाइस पॉइंट, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग अप दैट। एंड दैट्स द पावर ऑफ एसोसिएशन। संग इज सो पावरफुल, इट इज गोइंग टू अफेक्ट योर माइंड, योर कॉन्शियसनेस एंड योर हैबिट्स। और इसीलिए जो है हम लोग जो है असाधु उसका संग नहीं करते, बिकॉज वी आर गोइंग टू पिक अप हिज हैबिट्स। एंड सेम थिंग वेरी नाइसली यू हाईलाइटेड, अगर वो भक्तों का संग करता है तो ही विल श्योरली पिक अप गुड हैबिट्स। देर आर लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स इन शास्त्रस। डस एनीबडी रिमेम्बर? प्रभुजी, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, बट द प्रोस्टिट्यूट हु एक्चुअली गोस, आई थिंक हरिदास ठाकुर, ही शी एक्चुअली चेंज। हरे कृष्ण, वंडरफुल। बट प्रोस्टिट्यूट जो वो वेश्या जो चैतन्य महाप्रभु को, सॉरी हरिदास ठाकुर जी का पतन कराने आई थी, शी वॉज पेड, इतना बोलते हैं। शी वॉज इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी, और जो वहाँ का जो सरपंच था उसने भेजा, बोला हरिदास ठाकुर का बहुत नाम हो रहा है तो वी नीड टू पुल हिम डाउन। इसलिए उसने वो अरेंज किया था कि इसका पतन करा दो। और वो वेश्या 3 दिन तक शी केम टू हरिदास ठाकुर जी, लेकिन ही न्यू, वो पहले दिन ही छोड़ के जा सकते थे, बट ही वेटेड, ही न्यू कि मुझे इसके ऊपर कृपा करना है। सी सी द मेंटेलिटी, मतलब इतना, मतलब भक्तों को और इसको उसको जाके नहीं बोलते, लेकिन एक प्रोस्टिट्यूट आई तो बोले इसके ऊपर कृपा करना ही करना। ही कुड हैव लेफ्ट इमिडिएटली कि ये जो है आई डोंट नो, बट दैट वॉज हरिदास ठाकुर, ही कैन डू दैट। वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल while associating. They are, मतलब वो लोग इतने शक्तिशाली हैं कि they are like पारस मणि, इसको भी छू देंगे तो वो चेंज हो जाएगा immediately. But we are very still on कनिष्ठ level, so we have to be very careful, and हम लोग को ध्यान रखना है कि हम लोग किसका संग कर रहे हैं, किसका नहीं संग कर रहे हैं। तो थैंक यू वैजी माता जी, वेरी नाइस एग्जाम्पल कोटेड। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु मुझे ये पूछना था कि आपने जैसे बोला कि अभक्त का संग नहीं करना है, उनका वो मुख भी नहीं देखना, पर हमारे जो आजू बाजू में तो सब अभक्त ही है ना प्रभु, तो उनका तो हमें देखना ही पड़ेगा ना मुख, तो उनका भी मतलब साथ तो देना ही पड़ेगा ना, तो वो कैसे करे प्रभु? हरे कृष्णा। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। तो इसके लिए भक्ति विनोद ठाकुर जी, उनका एक किताब है, मेरे को नाम भी याद नहीं आ रहा, शरणागति नहीं, कुछ और नाम है शायद। उसमें वो कहते हैं, उनका एक बड़ा टॉपिक है संघ के बारे में, तो उसमें वो लिखते हैं कि संघ करना मतलब उनसे अटैच होना, इमोशनली अटैच होना, या एक एक प्रकार का क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, टू बी फॉन्ड ऑफ,
मतलब उसमें कुछ भी अच्छा नहीं है, वो बुरा काम कर रहा है सब, लेकिन फिर भी हमको अच्छा लगता है। जकल नहीं देखना है, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग रास्ते पे आंख पे पट्टी बांध के चलना चाहिए, या हम लोग को अपना कर्म करना। हम लोग ऑफिस जाते हैं, ऑफिस में हम लोग काम करते हैं, तो कई ऐसे पापियों से और दुस्संगी लोगों से हम लोग को मिलना पड़ता है, बट वी डोंट हैव एनी अटैचमेंट टू देम। मैं अपना काम कर रहा हूँ, फिर मेरा जूनियर है, मेरा पीयर है, मेरा बॉस है, मेरा सीनियर है, हाँ बस जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ अपना जो कार्य करना है उसके लिए। काम खत्म हो गया, बाहर निकले, अपना फिर से अपना कृष्ण कॉन्शियसनेस चालू। तो ये हम लोग को याद रखना है। और इमोशनल अटैचमेंट किसी अभक्त से नहीं रखना है हम लोग को। अगर वो रखेंगे तो हमने जैसे महाराज ने तात्पर्य में भी लिखा था कि अगर किसी ऐसा व्यक्ति, नहीं इवन भक्ति विनोद ठाकुर जी बोलते हैं, ऐसा व्यक्ति वो खुद बहुत अच्छा सब कुछ पालन कर रहा है, धर्म का पालन कर रहा है, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसको किसी ऐसे व्यक्ति से उसको आसक्ति है जो एक स्त्री संगी है, तो वो आसक्ति भी उसका पतन करा देगी। तो ये हम लोग को ध्यान रखना है कि हम लोग को ऐसे लोगों से जो हम लोग को आसक्ति नहीं रखना है, हम लोगों को मांस खाने वाले, स्त्री संग करने वाले, जुआ खेलने वाले और शराब पीने वाले, तो इनसे दूर रहना है हम लोगों को। इज इट ओके माता जी? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, थैंक यू सो मच प्रभु। ये तो बात समझ में आई प्रभु, ये बाहर वाले का है, पर जब अभी घर में ही, अभी जैसे कि मैं एक माँ हूँ, तो बच्चों बच्चे अभी भक्ति में है नहीं फिलहाल, तो आप भी सोच सकते हैं प्रभु, तो उनका उनका तो मेरे साथ में अटैचमेंट तो है ही ना, जैसे कि तो वो कैसे करे प्रभु। हरे कृष्णा। इतना प्रार्थना कर सकते हैं भगवान से कि भगवान मुझे भक्ति करना है, मुझे प्रभुपाद जी की कृपा से, भक्तों की कृपा से, वैष्णव की कृपा से अब मुझे कृष्ण भक्ति प्राप्त हो गया है, लेकिन मेरे घर वाले मेरा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं या उनको इच्छा नहीं है, तो आप उनके मन में वो इच्छा डालो। ये हम लोग को प्रेयर करते रहना चाहिए, क्योंकि हम लोग के बोलने से जो है ये लोग नहीं सुनेंगे हम, ये खाली भगवान चमत्कार कर सकते हैं। एक बहुत अच्छा, मैं शिव कृष्ण प्रभु का बहुत बड़ा फैन हूँ, उनका बहुत लेक्चर सुनता हूँ, तो उन्होंने एक बहुत अच्छा पॉइंट कहा था। वो बोलते हैं, उन्हें मतलब वो अपना पर्सनल एग्जांपल दे रहे थे, वो बोलते हैं कि उनका घुटना दुख रहा था और बहुत पेन था उनको, बोलते हैं मैं चल भी नहीं सकता था, तो उन्होंने सब वैद्य को दिखाया, सब डॉक्टर के पास गए, सब लोग यही बोलते, अरे कुछ नहीं चिंता मत करो, कुछ नहीं कुछ नहीं। वो परेशान है, अरे बोले कुछ नहीं तो मुझे घुटना क्यों दुखता है, मुझे चलने में दिक्कत क्यों हो रही है, तो कोई मतलब काफी महीनों तक ऐसा चलता रहा। फाइनली वो परेशान हो गए, बोलते हैं फिर मैं सबसे बड़ा वैद्य के पास गया, कौन है वो? कृष्ण बलराम, वृंदावन में रहते हैं, कृष्ण बलराम के सामने खड़े हो गए और मैंने सीरियसली प्रार्थना किया, बोला भगवान क्या आपको मेरे को ऐसी लंगड़ा बना के रखना है, मुझे सेवा वेवा नहीं करवाना है, मैं अभी से इस उम्र में मैं क्या ऐसा घुटना लेके चलूं मैं, और बोलते मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, तो आप ये जल्दी से ठीक करो करके। एंड बोलते हैं इमीडिएटली, मतलब इमीडिएटली उनका घुटना ऐसा ठीक हो गया, उनको पता ही नहीं चला, उनको मतलब जो दुखना बिकना था सब एकदम ऐसा गायब हो गया। तो ये जो है हम लोग का भगवान के प्रति जो प्रेयर है उसका पावर दिखाता है, मतलब उनका जो इतना घुटना जो कोई भी डॉक्टर ठीक नहीं कर पाया, वो जब उन्होंने सिंसियरली जाके प्रे किया, उनको उनको बोला कि मुझे आपका सेवा करना है, तो उन्होंने ठीक कर दिया। तो ये जो पावर, मैं इसके हमेशा बोलता आई लाइक कि जो प्रेयर्स हैं वी हैव टू बी वेरी सिंसियर, हम लोग जब करते हैं इसके लिए, हम लोग जो सुबह प्रेयर भी करते हैं, इसलिए मैं सबको बोलता हूँ सभी लोग अनम्यूट करो माइक, कुछ लोग नहीं करते, बट वी शुड ऑल सिंसियरली अनम्यूट एंड वी शुड सिंसियरली प्रे। और हम लोग जो प्रे करते हैं भगवान से,
तो ये कुछ ऐसे ही नहीं है, बहुत से लोग सोचते हैं अरे क्या प्रेयर्स करने से क्या होगा, हम लोग तो ऐसे ही अपना बड़बड़ा रहे, नहीं वो हमारे हृदय में है परमात्मा के रूप में, ही इज लिसनिंग टू अस, और जितना सिंसियरली हम लोग उनको बोलेंगे उतना सिंसियरली वो एक्ट करेंगे, मतलब ये यथामाम प्रपद्यन्ते ताम, अगर हमारा इच्छा नहीं है तो वो नहीं गाएंगे फिर वो, लेकिन सिंसियरली बोलेंगे भगवान जैसे शुभ कृष्ण प्रभु ने बोला क्या मेरा मेरे को ऐसी लंगड़ा बना के रखना है, मुझे सेवा वेवा नहीं करवानी है आपको, इमिडिएटली ही गॉट रिलीफ। तो ये जो है अगर हम लोग प्रेयर करें, क्योंकि नॉर्मली हम लोग जैसे बहुत से लोग हैं अपने घर में प्रचार नहीं कर पाते वो लोग, वो लोग नहीं सुनते हैं, जैसे अपने माता पिता को ही बोले थे बोले तो क्या तेरा सब हम लोग ने हमारे सामने सब गंदगी किया है तेरा सब साफ किया है तो अभी हम लोग को सिखाने के लिए आ गया, तो देर। और ये अमोक लीला प्रभु भी यही बोलते हैं कि घर वाले भी ऐसे ही बोलते थे नानी ज्योति बोलते तो क्या हमको सिखाएगा, बट दैट इज नॉट एन ईजी थिंग, तो हम लोग के बोलने से नहीं होगा, तुम चैंटिंग करो जपा करो कथा सुनो लेक्चर सुनो नहीं होगा, एक ही उसका तरीका कि वी शुड डू प्रेयर्स और वही ईश्वर जो है वो काम करेगा हम लोग। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु, थैंक यू प्रभु, थैंक यू हरे कृष्णा। हम लोग जब 2005 में भक्ति शास्त्री कर रहे थे तो हमारे जो टीचर थे ने यही बात बोला कि हम लोगों को संग लेना नहीं है, हम लोगों को संग देना है, हम लोगों को जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया दो बाउल रखे हैं हम लोग, एक गर्म पानी का एक ठंडे पानी का, जब उसको पास पास में रखते हैं तो हम लोग ये देखते हैं वो गर्म पानी का जो बाउल है वो ठंडे पानी होने लगता है और ठंडे पानी का जो बाउल है वो गर्म पानी की वजह से गर्म होने लगता है, तो क्या है वो संग ले रहे हैं। तो एक भक्त जो है प्योरिटी जो वैष्णव है वो संग देता है लेता नहीं है, वो जब ऑफिस में जाता है या घर में भी इवन है तो वो उनसे अटैच हो के अरे यार कितना अच्छा बॉस है कितना अच्छा मेरा फ्रेंड है कुलीग है, तो वो अटैचमेंट जो है वो हम लोग को डुबा देता है। तो वी शुड गिव एसोसिएशन वी शुड नॉट टेक, तो उसमें क्या होगा कि हमारा जो गुण है वो उसको मिलेंगे, लेकिन वो आसक्ति अगर हम लोग रखेंगे हम लोग संग लेना शुरू करेंगे तो उसका बुरा जो दुर्गुण है वो हमारे अंदर आना शुरू हो जाएगा। थैंक यू माता जी, हरे कृष्णा। ओके हरे कृष्णा, तो हम लोग सॉरी नारद भक्ति सूत्र के लिए हम लोग यहाँ पे रुकते हैं। श्री श्री नारद भक्ति सूत्र की जय, श्री नारद मुनि जी की जय, श्री गोपाल की जय, इस्कॉन गोविंद की जय, हरे कृष्णा।